डियर स्टूडेंट, आपको पता है जैसे कि पूरी वर्ल्ड में कोरोना की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके देखते सीबीएसई बोर्ड ने डिसाइड किया है कि बच्चों की स्टडी ऑनलाइन की जाए, जिससे बच्चों का भी को आगे स्टडी करने में प्रॉब्लम ना हो। इसके देखते हुए आज मैं आपको केमिस्ट्री की क्लास देने जा रहा हूँ। उसमें देखिए क्लास 12th के बारे में अपन देखेंगे। क्लास ट्वेल्थ की बात करें तो आप लोगों को पता है, और नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको। क्लास ट्वेल्थ में आपको केमिस्ट्री में डिस्कस करना है कुछ टॉपिक्स, कुछ यूनिट्स। जैसा आपने देख रखा होगा बुक्स में, लेकिन मैं आपको एक एक करके डिस्क्राइब करा देता हूँ आपको क्या क्या करना है। केमिस्ट्री में बात करें तो अपन तीन टॉपिक पढ़ेंगे, यानी इसकी थ्री ब्रांचेज आपको पढ़नी है। फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th में केमिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट इज इनको पहले बता सकते हैं आपको कि 23 नंबर का ये, 19 नंबर का ये है, 28 नंबर का ये है, टोटल है 70। आपको ये थ्योरी है, थ्योरी 70 मार्क्स। तो एक एक करके पढ़ते हैं, पहले इनके बारे में जान लेते हैं फिर उसके आगे पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में अपन को चार यूनिट पढ़ने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में चार यूनिट, फर्स्ट यूनिट इज सॉल्यूशन, सेकंड इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड इज केमिकल काइनेटिक्स एंड फोर्थ इज सरफेस केमिस्ट्री। ये चारों यूनिट आपको बोर्ड में नंबर दिलाएंगे 23 मार्क्स। आपको पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। ओके, सेकेंड टॉपिक इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट इज जनरल प्रिंसिपल
principle and processes of isolation of element. Second topic is P block element. Third topic is D and F block element, and fourth unit is coordination compounds. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग बात करें तो, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, सेकंड यूनिट इज पी ब्लॉक एलिमेंट, थर्ड यूनिट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड फोर्थ यूनिट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये अपन इसके बारे में बात करें तो ये हम अपन लोगों को 19 मार्क्स दिलाएगा बोर्ड में, 19 मार्क्स. थर्ड, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये हम लोगों को पढ़ना है और ये हमें मार्क्स दिलाएगा बोर्ड में 28 मार्क्स. कितना मार्क्स? 28 मार्क्स. फर्स्ट यूनिट इज हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स. सेकेंड यूनिट इज एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर. थर्ड यूनिट इज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. फोर्थ इज अमीन्स. फिफ्थ इज बायोमॉलिक्यूल. फिफ्थ इज पॉलीमर्स. सेवंथ इज
chemistry in everyday life. Student, attention please. Organic chemistry 28 marks board में दिलाएगा अपन को. First is haloalkane and halogens. Second unit is phenol, alcohol and ethers. And aldehyde, ketone and carboxylic acid, amines, biomolecule, polymers and chemistry in everyday life. ये अपना syllabus है. Class 12th में जो अब chemistry में पढ़ना है. ठीक है. और इसके आगे अगली क्लास में. ओके थैंक यू.